अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हमने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है कि उसको हम यूज़ में कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ एंड तक आप जुड़े रहें इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल के साथ नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन साथ में जरूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम मैंने कृष्ण भगवान की ड्राइंग बनाई है, जो कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर अपलोड करने वाला था, बट किसी इसकी जो एडिटिंग थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सो लेट हो गया। बट इस वीडियो का पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी है इसमें। फ्रेंड्स, मैंने कृष्ण भगवान की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार ड्राइंगें बनाई है और सारी डिफरेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको पोस्टर कलर का यूज़ करके। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है। किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी
गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?